Lecture 7, what is descriptive definition? Define a palindrome language. इस लेक्चर हम देखेंगे descriptive definition क्या है और उसकी हेल्प से हम एक palindrome language define करेंगे. अब तक आप automata की basics पढ़ चुके हो, alphabet क्या होती है, string क्या है, word क्या है और language क्या है. अब बिल्कुल मैं आपसे ये कहूँ कि how do automata accept or reject the input? एक दुनिया में कोई भी मशीन ऑटोमेटा उसे कैसे पता चलता है कि मुझे दिया गया इनपुट सही है या गलत है. इनपुट जो हम मशीन को देते हैं कीपैड से, कीबोर्ड से या टच से, मतलब सीक्वेंस ऑफ लेटर्स जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, वो इनपुट मशीन को देते हैं, तो मशीन को कैसे पता चलता है कि वो एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, या हाउ कैन ऑटोमेटा नो गिवन स्ट्रिंग इज वैलिड आर नॉट, उसको कैसे पता चलता है कि ये स्ट्रिंग सही है या गलत है. तो दरअसल ये यही तो लैंग्वेज होती है जो आप पढ़ चुके हो कि हर मशीन दुनिया में कोई भी होती है, सबसे पहले उसके लिए लैंग्वेज डिफाइन की जाती है कि वो किस तरीके के स्ट्रिंग्स पे, किस तरीके के रूल्स पे काम करेगी. तो देर आर डिफरेंट मेथड विथ विच यू कैन डिफाइन लैंग्वेज. सबसे पहले हम लैंग्वेज डिफाइन करते हैं मशीन ऑटोमेटा के लिए. अब लैंग्वेज से मतलब होता है कि उसकी रूल्स डिफाइन करते हैं कि उस लैंग्वेज के जो स्ट्रिंग्स हैं, जो वर्ड्स हैं, किस रूल्स से वो बनेंगे. अब मशीन क्या करती है, कोई भी ऑटोमेटा सीधा उस रूल्स को देखती है और उस रूल्स के हिसाब से वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है इनपुट को. अभी हम ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं, मतलब कि मशीन को थ्योरेटिकली मैथमेटिकल मॉडल की हेल्प से पढ़ रहे हैं, तो हम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिटेल्स में नहीं जाते. हम सिंपली अपने हद तक देखते हैं कि मशीन वर्क किस तरह कर रही है सिस्टमेटिकली. तो हम देखेंगे कि लैंग्वेज किस तरह डिफाइन की जाती है ऑटोमेटा के लिए. तो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन दरअसल एक मेथड है लैंग्वेज डिफाइन करने का. इट इज वन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड्स. इस मेथड से हम लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हैं ऑटोमेटा के लिए जो हम चाहते हैं. अब इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड में ये होता है कि कोई भी लैंग्वेज बिल्कुल आप चाहते हो एक ऐसी लैंग्वेज हो जिसका स्ट्रिंग मतलब वर्ड ए से शुरू हो और ए पे खत्म हो, तो मतलब आपने उसके स्ट्रिंग्स पे कंडीशन इम्पोज की, अप्लाई की, उस पर लागू की कंडीशन कि इस कंडीशन के हिसाब से उसका वर्ड बनेगा. तो हम सिंपली उस कंडीशन को डिफाइन करते हैं. इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन. नाम से वाजे है, डिस्क्रिप्टिव वाजे तौर पे, डेफिनेशन वजात, एक वाजे तौर पे वजात होती है आपकी कंडीशन की जो आप चाह रहे हो लैंग्वेज से. इन दिस मेथड वी सिंपली डिस्क्राइब द कंडीशन इम्पोज्ड ऑन इस स्ट्रिंग्स वर्ड्स, कि एक लैंग्वेज उसके जो स्ट्रिंग्स बनेंगे उस पर जो कंडीशन है कि ए से शुरू हो, ए पे खत्म हो या कुछ भी हो, कोई भी वर्ड हो, वन से स्टार्ट हो या जीरो से स्टार्ट हो, मतलब जो आप कंडीशन चाह रहे हो उस कंडीशन को हम सिंपली डिस्क्राइब करते हैं. अब डिस्क्राइब करने का स्टैंडर्ड है वो कैसा है कि आप सबसे पहले लैंग्वेज का नाम लिखते हो, जो लैंग्वेज आप डिफाइन करना चाह रहे हो कुछ भी लिखते हो, आपकी मर्जी है, नाम पहले देना है. उसके बाद आपको एक केल ऑपरेटर लगाना है, उसके बाद लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट, उसके इसमें आप बाद आप क्या करोगे, डेफिनेशन डिफाइन करोगे, मतलब जो आप चाह रहे हो, भाई सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद ए, जो ए से खत्म हुआ ए पे खत्म हो, ये आपने लैंग्वेज डिफाइन कर दी. अब यहाँ पर डेफिनेशन आती है और उसके बाद आखिर में राइट कर्ली ब्रैकेट. इस तरह आप डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, ये एक मेथड है जिसकी हेल्प से आप लैंग्वेज डिफाइन करते हो. अब एग्जाम्पल करते हैं. बिल्कुल मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी लैंग्वेज हो उसके जो स्ट्रिंग्स बने वो कुछ भी हो, बस जीरो से स्टार्ट ना हो, चाहे वो वन टू थ्री फोर कुछ भी हो, बस जीरो से स्टार्ट ना हो, और वो हम फाइनाइट मतलब एक खास वर्ड्स बने, ज्यादा हो इनफाइनाइट नहीं. तो मैं चाह रहा हूँ कि इस फाइनाइट स्ट्रिंग्स बने जो कि कुछ भी हो बस जीरो से स्टार्ट ना हो. तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा, डिस्क्राइब कर दो बस, जिसे आप जैसे ही आपका दिल करता डिस्क्राइब कर दो. लेकिन इस मेथड को देखते हुए, इस सिंटैक्स, इस तरीके को देखते हुए, आप पहले लैंग्वेज का नाम लिखो, उसके बाद ऑपरेटर, उसके बाद आप डिफाइन कर दो कि एनी फाइनल स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स दैट डज नॉट स्टार्ट विद लेटर जीरो. बस इतना आपने लिख दिया, ये लैंग्वेज डिफाइन हो गई. अब एक और एग्जांपल देते हैं. बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि ऐसी लैंग्वेज डिफाइन करता हूँ जिसका हर स्ट्रिंग ए से शुरू हो और ए पे खत्म हो, बस इसको आप डिस्क्राइब कर दो. नाम दे दिया, ऑपरेटर दे दिया, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर्स That starts with A and ends with A, जो A से शुरू होगा और A पे खत्म होगा. यहाँ पे भी आप S लगा दीजिएगा, any finite strings of letters.
मतलब यहाँ से बनने वाले कोई भी स्ट्रिंग होगा वो कुछ भी होगा, लेकिन जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। और इस लैंग्वेज से जो भी स्ट्रिंग बनेगा ऐसे शुरू हुआ ये भी खत्म होगा। मतलब ये भी आपने एक लैंग्वेज डिफाइन कर ली, ये भी आपने एक लैंग्वेज डिफाइन कर ली। ये लैंग्वेज डिफाइन करने का तरीका है क्या है, कुछ भी नहीं। आप सबसे पहले नाम लिखोगे, इक्वल ऑपरेटर, उसके बाद आप डेफिनेशन लिख दो जो कि आप चाह रहे हो लैंग्वेज डिफाइन करना, रूल्स डिफाइन करना, कंडीशन आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर दो अपने अल्फाज में जैसे आप चाहो, कोई रिस्ट्रिक्शन कोई लिमिटेशन नहीं। अब हम एक प्रॉब्लम जो अक्सर एग्जाम में आता है या एक्सरसाइज के तौर पे किया जाता है, इस खास तौर पे डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन के लिए, क्योंकि ये सिंपल मेथड है, हम सिंपली डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, इसके बाद मुश्किल आते हैं। तो इसमें तो सिंपली एक ही क्वेश्चन आता है जो कि अक्सर आता है, आपको पता चल गया कि डिस्क्रिप्टिव है क्या। सिंपली हम कंडीशन जो स्ट्रिंग के ऊपर लगाने वाले हैं उसको डिसाइड करते हैं, वो भी अपने अल्फाजों में, कोई लिमिट नहीं, बिल्कुल आसान सी बात है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला जो डिफाइन अ पैलिंड्रोम लैंग्वेज, डिफाइन अ पैलिंड्रोम लैंग्वेज विद डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। और इसमें होगा क्या, तो सबसे पहले तो हम पैलिंड्रोम लैंग्वेज को देखते हैं ना कि होती क्या लैंग्वेज है। पैलिंड्रोम लैंग्वेज दरअसल एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसका हर स्ट्रिंग ऐसा होता है जिसको आप रिवर्स भी करो ना तो सेम होता है। अब ये एक एक्स बिल्कुल एक एक्स लिया हमने, एक स्ट्रिंग है, इसका आप रिवर्स क्या करोगे वो भी यही होगा सेम। तो मतलब एक ये एक्स स्ट्रिंग ले लिया, उसका रिवर्स भी उसके बराबर ही होगा। ये स्ट्रिंग है, उसका रिवर्स भी इसके बराबर। आप 1 2 3 2 1 इसको उल्टा कर दो, क्या होगा 1 2 3 2 1 सेम। तो ऐसी लैंग्वेज जिसका हर स्ट्रिंग चाहे उसका रिवर्स करो वो सेम हो। और अब एक और एक्सेप्शन आती है, मतलब एक तो ये हर स्ट्रिंग होगा जिसको रिवर्स करो सेम होगा, एक दूसरा होता है नल स्ट्रिंग। नल क्या होता है, खाली होता है, जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो नल स्ट्रिंग दरअसल पैलिंड्रोम ही होता है, क्योंकि वो भी जाहिर सी बात रिवर्स करो कुछ नल ही होगा। तो हम उसको कैसे डिस्क्राइब करें, तो हम सबसे पहले तो नाम लिखेंगे। नाम क्या लिखेंगे, पैलिंड्रोम लिखा, उसके बाद लेफ्ट वाली ब्रैकेट दे दी, इक्वल दे दिया, ये चीज आ गई। अब डिफाइन कर दो, तो हम लिखेंगे सबसे पहले नल स्ट्रिंग कॉमा सच दैट स्ट्रिंग एक्स एंड रिवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। बस कि कोई भी एक्स स्ट्रिंग होगा उसका रिवर्स उसके बराबर है तो वो क्या है, पैलिंड्रोम है। तो मतलब हमने लैंग्वेज कैसे डिफाइन करनी है कि नल स्ट्रिंग कॉमा एंड ऑल स्ट्रिंग्स एक्स सच दैट रिवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। कोई भी स्ट्रिंग होगा उसका रिवर्स अगर उसके इक्वल है तो वो पैलिंड्रोम लैंग्वेज। ये हमने रिवन ये हमने रूल डिफाइन कर दिया सिंपली इस तरह रूल। अब इससे किस तरह के स्ट्रिंग बन सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी बी ट्रिपल ए बी ए, मतलब ये क्या है देख रहे हैं आप, इसका रिवर्स इक्वल, इसका रिवर्स इक्वल, ये सारे क्या हैं, वो वर्ड्स हैं जो कि इसका रिवर्स इसके इक्वल होता है। तो इस तरह की लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम लैंग्वेज। उसके लिए हम क्या डिफाइन किया, सिंपली नाम लिखा, इक्वल दिया, लेफ्ट वाली ब्रैकेट, नल स्ट्रिंग ऐसी बात है वो होता है, उसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग हो उसका रिवर्स अगर उसके बराबर है तो वो पैलिंड्रोम है। ये हमने रूल डिफाइन कर दिया, ये हमने कंडीशंस स्ट्रिंग के ऊपर जो लगाई जिसके ऊपर इम्पोज की वो डिफाइन कर दी। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन हुआ क्या, दरअसल एक मेथड था जिसके जरिए हम लैंग्वेज डिफाइन करते हैं, और इस लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, सिंपली जो कंडीशन स्ट्रिंग्स पर इम्पोज की है लगाई है उसको डिफाइन करते हैं। तरीका था, सबसे पहले लैंग्वेज का नाम आता है, इक्वल ऑपरेटर है, उसके बाद उसमें डेफिनेशन जो हम डिस्क्राइब करने वाले हैं सिंपली। एग्जाम्पल तो हमने एग्जाम्पल ले लिए, पैलिंड्रोम लैंग्वेज डिफाइन कर ली हमने। आगे हम देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से हम लैंग्वेज डिफाइन करेंगे। थैंक यू एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।